नौजवानों कमली वाले उठ के गुलो के फरमाया चलो चन तोड़ने आओ अगे कमली वाले नाल अबीब नाल बुजाल उतबाउ तैबा सैबाउ अखनस बिन शरी को मैया बिन खलफ आस बिन वाइल मके दे सारे चौधरी टुरदे जा रहे हैं अबू जान दा चेहरा लटक गया ना देखो नी मार गया खिया चौधरी तुहानू की आया कह लगा तेनू नहीं पता इन्हें कह दिता इन्हें तोड़ देना तकरीर सुनन ते मर्द जिहाद करन ते मर्द या रसूल अल्लाह हर वेले तुहाडी दीद करन ते मर्द ते असीं औरतां दुनिया ते को काम करन आईआं साडा दीन किधर गया नबी पाक ने फरमाया तुसी इंज करिया करो कि एक दिन हफ्ते विच आशा दे हुजरे च आ जाया करो मैं तुहानू दीन सिखाया करांगा औरतां ने एक दिन इकट्ठे होके अम्मा आशा सिद्दीका दे हुजरे च आ जाना हुजरे च आ जाना यारो कैसा मंजर होवेगा गली होवे मदीने दी हुजरा होवे अम्मा आशा दा औरतां दी होवे महफिल मिलाद खसूसी खिताब होवे हुसैन दे नाने दा फिर तकरीर करे मेरा नबी एनी बारिश तुसी तकरीर सुनने वास्ते बैठे ना कि असी साहब आउणगे नबी पाक दा जिक्र सुनावणगे एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे थे किधरे पर्दे च औरतां दा भी इंतजाम सी पता नहीं अल्लाह दे नबी ईसा ने कैसी तकरीर की थी एक माई की आवाज आई माई कहती है वाह मरियम मैं तेरे तो वारी जावां एडा सोहना पुत्र जन्म दिता है जेड़ा एडी सोहनी तकरीर कर दे हजरत ईसा माई वाल वेख के कहन लगे अम्मा मेरी तकरीर सुन के मेरी मां तू वारी वारी जानी है कदे तू मुहम्मद की तकरीर सुन लवे ते आमिना तू सारी कायनात ही वारी कर दे जेडी सोहनी तकरीर मुहम्मद दे अरबी कर दे मेरे नबी औरतां दे विच एक दिन खिताब फरमाया सरकार ने फरमा सुनो बीबीओ जिस औरत दे तीन बच्चे नाबालिग फौत हो जान उन्हें बच्चों की शफात नाल अल्लाह मापिया के गुनाह माफ करेगा मापे जन्नत च जावणगे एक औरत बोल पई ते अर्ज कर दी कमली वालिया जिदे दो मर जान मेरे नबी की रहमत मौज चाई हजूर ने फरमाया ओ मापे भी जन्नती एक औरत उठ के कह लगी यार रसूल अल्लाह ते जिदा एक टुर जाए हजूर ने फरमा ओ भी जन्नती नौजवानों जड़ वेले औरतां चलिया गईयां थोड़ी देर दे बाद नबी करीम हुजरे दे अंदर आए माया आशा नुकरे बहके पईया रोंदिया ने इधर माया आशा दी औलाद कोई नहीं नबी करीम ने फरमाया आशा रोनी क्यों है अर्द कर दिया कमली वालिया जिदे तीन टुर जान जनती है जिदे दो टुर जान जनती है जिदा एक टुर जाए जनती है कमली वालिया जिदा हो वही कोई ना मेरे नबी दिया कदिया थ्रू आ गए फरमाया शरो ना जिदा कोई ना हो वे ओदा मैं जुबन किया नौजवानों पता लग गया रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी नू याद ए रब दा गुनाहगार जे कर ले नबी नू याद ए रब दा गुनाहगार रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा रहमत कवे हुजूर दी आ मैं छुड़ा लवा ए रहमत कवे हुजूर दी आ मैं रहमत कवे हजूर दी सुभान
रब अपने गुनाहगारा नो भेजे ओदे दर ते। इत्थे उन्हें पुछ जिन्हें दरे मुस्तफा वेखे, उन्हें दा को गुजारे दरे मुस्तफा दे बाज। ए अलीपुर सैयदां दा ताजदार हजरत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा जी ने तकरीबन जिंदगी च 40 पता नहीं कितने बेशुमार हज कीते। बाबा जी दा अक्सर हिस्सा जिंदगी दा मदीना तैयबा गुजरिया। उदों अरबी बड़े गरीब सन, जदों बाबा जी अमीर सन। इत्थों दौलत लै जांदे ने, जाके अरबियां च तकसीम करदे ने। उस वेले आपने मदीना शरीफ दे अंदर लंगर खाने बनाए, उन्हां दा नाम सी जमात मंजिल। अज भी मदीना तैयबा जमात मंजिल दे नाम ते लंगर खाने मशहूर ने। हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमांदे ने, कदे ना मैं नबी पाक दे रोज़ अनवर दे करीब तो गुजरिया, ते एक 10 साल दा बच्चा नबी पाक दे रोज़ा अनवर वल वेखी जावे ते रोई जावे तो रोई जावे। ए ओ पीर जमात अली शाह जिहदे मुरीद दे पैरां थले मदीने दे कुत्ते दा पैर आया। ते आप नूं खबर मिली ते आपने मुरीद नूं बुला के डांटिया ते फरमांदे ने, जाओ कुत्ता ढूंढ के लियाओ। कुत्ता आया, ओ लखां मुरीदां दा पीर सैयदज़ादा हज़रत पीर जमात अली शाह साहब मदीने दे कुत्ते दे सामने हाथ जोड़ के ते मदीने दे कुत्ते नूं फरमांदे ने, इत्थे ही माफ कर दे, यार नूं शिकायत ना ला दे। ओ जिहड़े दरे मुस्तफा दे गुलाम ने, ताइयों आशिक बोल के कहंदे, इजड़ चार दी फिरां बदुआं दे, इजड़ चार दी फिरां बदुआं दे, मेरा गोलियां शुमार आ जाए, इस वास्ते कराम नित तरले, कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए। जमात अली शाह साहब उस बच्चे दे करीब आके फरमाते ने, बेटा क्यों प्यार होना? वो छोटा जा बच्चा कह लगा, बाबा जी मैनू भूख बड़ी लगी है, मैं 3 दिन होए ने खादा कुछ नहीं। आपने फरमा, बेटा जा तेरी माँ उड़ीक दी होगी, अबू उड़ीक दे होवनगे, घर जाके खाना खा ले। नबी पाक दे गुंबद खिदरा वल वेख के बच्चा रो के कह लगा, बाबा मैं एवें ते नहीं ना रोंदा, मेरा होया जो कोई ना। बाबा जी मेरी माँ भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं। पीर जमात अली शाह साहब रोंदे, उस बच्चे ने उठाया ते लंगर खाने जमात मंजिल लाए, लंगर मंगवा के बच्चे दे सामने रखिया। बच्चा 3 दिन दा भुखा, बड़े शगफ नाल खाना खा रहा। ते बच्चे नूं फरमांदे ने, बेटा तेनूं पता मैं कौन हां? कह लगा, बाबा जी मैनूं नहीं पता कौन हां। फरमा, बेटा मेरा नाम पीर जमात अली शाह है, मैं लखां मुरीदां दा पीर हां, मैं सैयद आदम हां, पाकिस्तान चों आया। ते बेटा तू इत्थे भुखा रहना है, ते तेनूं मैं पाकिस्तान ना लै चलां, उत्थे मैं तेनूं मां दा प्यार भी देवांगा, बाप दा प्यार भी देवांगा, लोग तेरे हाथ चुमिया करनगे, खाना भी सोना जोड़े भी लैके देवांगा, तेनूं मैं अम्मी ते अब्बू दोवां दा प्यार भी देवांगा, खाना भी खिलावांगा। बच्चे ने लुकमा लबां दे करीब लियांदा, गल सुनी ते लुकमा रख दित्ता। पीर जमात अली शाह नूं लैके बच्चा नबी करीम दे रोज़े ते आ गया। रोज़े ते आके कहण लगा, बाबा तेरे पाकिस्तान च मां दा प्यार भी लभेगा? फरमाया, लभेगा। कहन लगा, उठे बाप दा प्यार भी लभेगा? फरमाया, लभेगा। इशारा करके कहन लगा, उठे नबी दा रोजा भी लभेगा? आपकी चीख निकल गई, फरमाया, पुत्रा उठे लभदा, मैं मदीने की लैने आना सी। बच्चा दामन छुड़ा के दौड़ गया, कहन लगा, बाबा रख अपना पाकिस्तान खोल, मैं अम्मा बगैर रह सकना, अबे बगैर रह सकना, मैं खाने बगैर रह सकना, मदीने वाले बगैर नहीं रह सकना, मदीने वाले बगैर। मेरा ईमान कहंदा बच्चा नाले दौड़दा जा रहा,
ते नाले पढ़दा जांदा सदा बसदा रवे तेरा दबारा या पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी बंदे दी अपनी होंदी है। मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमांदे हुंदे ने पठ पवे सोना जड़ा कन्ना नूं खावे। जिहड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे इन्हां नूं पुछो किसे मां बहन बेटी ने कन्न विच सोने दा बुंदा को बाली पहनी होवे ना ते सोने दी वजह तू कान कन्न गल जावे ना मस गल जावे ओ बीबी सोना उतार के रख दे दी कहंदी पठ पवे सोना जिहड़ा कन्ना नूं खावे। ते मेरे बाबा जी फरमांदे हुंदे ने पठ पवे ओ जुबान जिहड़ी कमली वाले दी नात ही ना पड़े। खावे ते नबी दा सदका ते ना नात दी वारी आवे तो चुप रवे जुबान। आ फरमा दे पठ पवे जुबान फिर जड़े नबी दी नात ही ना पड़े। अच्छा जिन्नो ते पंजाबी आउंदी है ओ हाथ खड़ा करे वाला मेरे नाल भाई नात पढ़ोगे नबी पाक दी? जिन्ने नहीं पढ़नी बेशक हाथ खड़ा ना करे क्योंकि मैं केड़ा जबरदस्ती पढ़वानी है। मेरा दिल करदा हूं जदों कयामत नो हसान बिन साबित वर्गे नात खाना दा ना आवे ना यार विच साडा भी नकमियां दा आ जावे। है ए भी हजूर दी नात पढ़दा होंदा सी। तो मिलके सारे मेरे नाल पढ़िए सदा वसदा रबे तेरा दबारा सदा वसदा रबे तेरा दबारा। जिहड़ी गदावां दी आवाज़ हुंदी है ना सखियां दे बूहे दी रौनक हुंदी है भाई। एक दो मंगते खलोते होण ते पता लगदा बंदा को सखी है ते जिहदे बूहे ते दो जहां ही मंगते बन के खलोते होण ओ किड्डा को वड्डा सखी होवेगा। अल्लाह फरमांदा जे तू आखे ना रब्बा तेरी खैर होवे ते अल्लाह कुरान च फरमांदा वल्लाहु खैर अल्लाह फरमांदा मैं अल्लाह आप ही खैर हां। जे आखे रब्बा तेरे कारोबार दी खैर ते अल्लाह फरमांदा कारोबार मेरा कोई नहीं ते जे नकले कुफर कुफर ना बाशद। अगर कोई आखे रब्बा तेरे बच्चियां दी खैर होवे ते अल्लाह फरमांदा लमी अलिद वाला मयूला दा बच्चे मेरे कोई नहीं ते या अल्लाह तेरे कोल फिर किवें मंगिए। अल्लाह फरमांदा कि मेरा महबूब है ओदियां खैरां मंगदा मैं जो मांगेगा दे देवांगा। थले नहीं करने सारे मिलके मेरे नाल पढ़ो सदा वसदा रबे तेरा दबारा भाई गूंजा पा दियो सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे हो गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबांदा गुजारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा तवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा करीब। इंज नहीं भाई मिलके सारे पढ़ो सदा वस सदा वसदा
रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा रसूल अल्लाह जेड़ा नबी दे टुकड़ियां ते बंदा हाथ खड़ा करके अज नबी दे बुए दियां खैरां मांग के आखे जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या नौजवानों पुछियो देखो जेड़ा नबी दे टुकड़ियां ते पलदे ایک محدث بہت بڑے گزرے حضرت ابن الجلا فرماتے ہیں میں کدھر بھوک لگی تے نبی پاک دے روضے تے نا آ کے سو گیا تے بس اینا ہی آکھیا کملی والے میں تہاڈا پرونا بن کے آیا انا ضعیف کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تہاڈا پرونا بن کے آیا فرماتے ہیں میں سو گیا تے خواب وچ نبی پاک نا ایک روٹی لے کے آئے فرماتے ہیں نبی پاک نے مینوں فرمایا جے میرا پرونا تے لے روٹی کھا لے فرماتے ہیں میں روٹی پیا کھاواں ادھی کھادی تے اکھ کھل گئی تے ادھی روٹی ویکھیا تے ہاتھ وچ جڑا پلے نبی دے ٹکڑے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو زمین آسمان تے کائنات دا ساری دا مالک تے مختار بنا کے بھیجے اسی کوٹھی بنا لئیے نا ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੀਮਾ ਹਾਊਸ ਘੁੰਮਣ ਹਾਊਸ ਚੱਟ ਹਾਊਸ ਬੱਟ ਹਾਊਸ ਮਲਿਕ ਹਾਊਸ ਚੌਧਰੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਸ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਮਾ ਚੱਠਾ ਜੱਟ ਬੱਟ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਣਾਈ ਮੈਂਵੇਂ ਪਰ ਨਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਹੋਵੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਗਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਲ رسول اللہ شجر ہو حجر ہو یا فلکاں دا کمر ہو تیرے نام سب دے سب نے واری یا رسول اللہ تیرا فرمان دو عالم تے جاری یا رسول اللہ تیرا فرمان دو عالم تے جاری توجہ ہے تھکے تے نہیں اونچا بولو پھر سبحان اللہ محبت میرے سر متھے تے تسی تے میرے بالکل گوانڈی ہو نا بھائی گوانڈیاں دا حق بھی بہت آوندا ہے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے نامہ اپنا امتحان لینا تے نامہ تہاڈا دینا
मैं ते 10 बजे दा तैयार बैठा सा कि मैनू भाई हो सकदा फोन आ जाए कि प्रोग्राम बस जी कैंसल हो गया। मैं ते इसे उम्मीद ते सा के चलो आज छुट्टी कर लवांगे। मैं भी कड़े कदे छुट्टी की थी है तो ये सोचा सी कि चलो थोड़ी छुट्टी कर लवांगे, आज आराम कर लवांगे। मगर चलो तुहाडी मोहब्बत अल्लाह तुहानू सलामत रखे, बस दे रहो हमेशा करन वाली वाले हो। जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत कीता ते कलमा पढ़ने वाले कौन ने? गरीब लोग, हजरत बिलाले हबशी, हजरत सुहेबे रूमी, अम्मार बिन यासिर। भाई तवज्जो मेरे बारे रखो, बच्चे बच्चे चुप करो, बेटा इधर देखो, इधर देखो, तकरीर इधर हो रही है। कुमार साहब मेनू कोई बिल्कुल भी पखियां दी लोड़ नहीं, तुसी बह जाओ, बस मेरी तकरीर सुनो सारे भाई बेली। तवज्जो मेरे बारे रखो, कमली वाले जब ऐलान नबूवत कीता ते कलमा पढ़ने वाले गरीब लोग सन। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमा दीन शुरू भी गरीबा च होया सी ते रह भी गरीबा च जाएगा। जी यार गरीबा दी ला मौज नहीं दीती मेरे नबी ने। कारी साहब कैसा मंजर रहेगा माशर दे मैदान च, नमाजी नमाजियां च खलोते होणगे, हाजी हाजियां च खलोते होणगे, सखी सखियां च खलोते होणगे, गुनाहगार गुनाहगारां च खलोते होणगे, नेक नेकां च खलोते होणगे, कमली वाला गरीबा च खलोता होवेगा। उस वेले को गरीबां दी रीस होनी है जिथे कमली वाले ही आके खलो जाएगा। मेरे नबी ने कदे दुआ की थी, या अल्लाह मेनू मिस्कीना च पैदा करी, मिस्कीना च रखी, मिस्कीना च मौत देवी, कयामत नू मेनू मिस्कीना च खड़ा करी। ला मौज दी मेरे नबी ने गरीबां दी। उंज करन वाली वाले मेरा जुमला सुन के सुभान अल्लाह जरूर आख्या जे, कयामत दे दिन गरीबां दी कुछ मौज इंज भी लग जानी है कि जदों अमीरां ने आउणा ना, अमीरां ने ते अमीरां कोलों माल दा हिसाब पुछया जाना है ते गरीबां ने आउणा ते गरीबां दा हाल पुछया जाना है। अमीरां कोलों हिसाब पुछया जाना है, गरीबां दा हाल पुछया जाना है। हाँ भाई गरीबों की हाल है तुहाडा। गिरामी कदर हजरात, जब गरीब कलमा पढ़ रहे ना मेरे नबी दा, अबू जाल नू फिकर है पर थोड़ी क्योंकि गरीब कलमा पढ़ रहे, जब दिल करेगा दबा लवांगे। पर उस दिन अबू जाल का लक टूट गया, जिस दिन हजरत सैयदना उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया। पूरे मक्के च दो ही ते डंडे सोटे वाले सन, एक अबू जाल, इदा असल नाम है अमर बिन हिशाम, ते एक हजरत उमर बिन खताब। एक डंडे सोटे वाला आ गया मेरे नबी वाले, उमर ने डंडा लहरा के आके भाई आओ हुन मेरे नबी को वल को पैड़ी अखना वेख के बखावे, मैं नबी दे नाल आ, मैं नबी दे नाल आ, ते काबे चो आवाज आई जे तू नबी दे नाल है ते असी तेरे नाल आ, असी भी तेरे। अबू जाल नु हुन तकलीफ बड़ी के हुन की करा, उन्हें रातों रात खत लिखिया। यमन दे अंदर होदा कि यार ते बेली रहंदा सी जिदा नाम सी हबीब यमनी। हबीब यमनी शायर भी सी, हकीम भी सी, दम भी करदा सी, परिया दा बंदा भी सी। हबीब नु खत लिखे, अबू जाल ने आख्या जिन्नी जल्दी मुमकिन होंदा मक्के पहुंच, मैनू बड़ा जरूरी काम है। सुबह हबीब मक्के आ गया। अबू जाल ने मक्के दे बाहरों दा इस्तकबाल कीता ते कन्ना च रुई दे के कह लगा जितने दिन मक्के रवे अपने कन्ना च रुई ना निकाली। हबीब ने पूछया वजह, कह लगा हवेली चल के तेनू वजह भी दसने। जद हबीब अबू जाल दी हवेली आया ना, पता करो बोला स्पीकर चल रहे ने, पता करायो, चल दे आवाज पता नहीं कितने जा रही है। हबीब जदो अबू जाल दी हवेली आया ते वेखे अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शरीक, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल, वड्डे वड्डे मक्के दे चौधरी बैठे। हबीब बैठ गया ते अबू जाल नु कहन लगा मैनू इन्नी जल्दी च क्यों बुलाए, इतनी उजलत च क्यों बुलाए। अबू जाल कहन लगा यार मैं बड़ा परेशान हां ते तू मेरा यार है ते यार औखे वेले कम आउंदे ने। हबीब ने पूछा वजह की, कह लगा मेरा बरादर बरादरी विच एक भतीजा साडा लगदा ते नाम है ओदा मुहम्मद। हबीब बोल के कहन लगा ना ते बड़ा सोहना है। अबू जाल कहन लगा पूरी गल ते सुन, कहन लगा जी, कहन लगा 40 साल मुहम्मद ने साडे विच गुजारे,
ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਚ 360 ਬੁੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਹਬੀਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਹਬੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾ ਕੁਲ ਯੁਹੀ ਹਲਦੀ ਅਨਸ਼ਾਹਾ ਅਵਲ ਮਰਰਾ ਬਹੁਵਾ ਬਿਕੁਲੀ ਖਲਕਿਨ ਅਲੀਮ ਮਿਨਹਾ ਖਲਕਨਾਕੁਮ ਵਫੀਹਾ ਨੁਈਦੁਕੁਮ ਵਮਿਨਹਾ ਨੁਖਰਿਜੁਕੁਮ ਤਾਰਤਨ ਉਖਰਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ, ਸਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਬੀਬ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਮ ਕਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਮਾਦ। ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਦ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿੰਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜ਼ਮਾਦ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਹਮਦੁਹੁ ਵਨਸਤਾਈਨੁਹੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁਹੁ ਵਨੁਮਿਨੁ ਬਿਹਿ ਵਨਤਵੱਕਲੁ ਅਲੈਹਿ ਵਨਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੁਰੂਰਿ ਅਨਫੁਸਿਨਾ ਵਮਿਨ ਸੈਯਿਆਤਿ ਅਮਾਲਿਨਾ ਮੈਂ ਯਹਦਿਹਿ ਅੱਲਾਹੁ ਫਲਾ ਮੁਦਿੱਲ ਲਹੁ ਵਮੈਂ ਯੁਦਲਿਲਹੁ ਫਲਾ ਹਾਦੀਆ ਲਹੁ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੇਦਾਮ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਬੀਬ ਆਇਆ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਮ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਖਤਰੇ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹਬੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਚੌਧਰੀਆਂ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਹਬੀਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਬਨਮ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈਏ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵੇਲੀ ਗਰੂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਰ ਮਸਜਿਦ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ابو جال کہن لگا او دا ہاتھ نہ پھڑی اچھا 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 حبیب کہن لگا چلو میں ہاتھ بالکل نہیں پکڑاں گا پر ایک واری محمد نو بلاؤ ابو جال کہن لگا بلا تے دیما پر پہلے میں نو دس کریں گا کی نوجوان حبیب کہن لگا کرنا کی ہے جدوں محمد نے آنا میں او دا ہاتھ پکڑ نہیں نہیں لگا جدو محمد نے میرے قریب آکے بیٹھنا ہے میں او دے نال دو گلاں کرنی آنے گلاں گلاں جی میں نو پتا لگ جانے او دا دماغی توازن کی میں دا میں دوائی دینی ہے کم ٹھیک ہو جانے ابو جال کہن لگا نا نا او دی گل سن لئی ہے گل مک جاندی ہے حبیب کہن لگا بجاؤ کی ہے کہن لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں گلاں جی پتھراں دو کلمیں پڑا لیں گا کہن لگا آئی تے رولے ہے ساڑی تے چل دی نہیں او پتھراں تو بھی کلمیں ابو جال کہن لگا جی کل دی گل میں مٹھی چ چھ کینکریاں لے کے گیا تے ابو جال جا کے میرے نبی نو کہندا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے اچھا میں سمجھدار بندے نال گل کرن لگا سوال دے وچ ہی جواب ہے کہندا جے نبی ہیں تے دس مٹھی وچ کی ہے آہ جڑے بیلی کلمہ پڑھ کے نبی دا تے کہندے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا او چلیا تیرے نالو تے ابو جال نو بہتا پتا ہے انو بھی پتا ہے نبی دس لیندہ مٹھی وچ کہندہ جے نبی ہیں تے دس مٹھی چکی ہے نبی ہندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے جنو غیب نہ ہوئے تو تے نبی ہندہ ہی نہیں نبی دا تے مطلب یہ بے مانی یہ بے کہ غیب دی خبر دین والا ابو جال میرے نبی نو کہن لگا دس میری مٹھی ہے چکی ہے مسکرا کے نبی پاک فرماما لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے تے ابو جال کہن دا نبوت کنو کہن دے نے فرمایا نبوت ہے جو مٹھی ویچے او دسے میں کونہ ابو جال کہنے لگا حبیب میں ہنس کے محمد نو آکھیا جو مٹھی چ ہو تے بولدا ہی نہیں تے سرکار مسکرا کے فرماندے نے لے پھر اج پیا بولدا ہی ابو جال کہنے لگا حبیب یار میں تینوں کی دساں جدوں میں مٹھی لگائی نہ کن دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں ہی پیاں پوچھدیاں نے ہے تے اسی بھی پتھر ہاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی او کرن والی والے او نہ جرا تصور چ جا کے نہ مکے دیاں کنکریاں نو پوچھ کے تے آئیے او پتھرو او تو ہاڈی تے برادری کدے بولی نہیں تے اج کیویں بولے ہو تے پتھر بول کے کہن گے اونج اسی نہیں بول دے پر جڑا محمد واری بھی نہ بولے ہو کو بندہ غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا کملی والے دی شان واری بھی نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا ابو جال کہن لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی او ہاتھ رب دے ہتھاں چ پڑھا دیتا ہی تے گل تے کری نہ او گلاں گلاں چی پتھرا تو کلمے پڑھا لیندا ہی جے رل کے میرے نہ پڑھو تے پڑھیے بھائی چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے بھائی ابو جال کہن لگا تینوں دیاں کی شان سناواں کہن لگا او پتھرا تو کلمے پڑھا جان دا اے سکیاں کھجورا اگا جان دائے حد کھڑے کر کے میرے نال نبی دینا سارے پڑھو او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او ڈوبے ترا جان دائے او ڈوبے بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے
ओ पत्थरात कलमे पढ़ा पत्थरां तो कलमे ते सुखियां खजूरां ते डुबे होए बेड़े ते गुंगियां तो गल्लां करा जान दा है। गुजाल कहन लगा गल ना करी ने ते गल मुक जानी है। हबीब कहन लगा अच्छा चलो ठीक है फिर बुलाओ ते सही। अबू जहल कहन लगा बुला ते देवा पर पहले दस करेगा की। कहन लगा जदो मोहम्मद ने आना ना ते गल ते मैं करनी कोई नहीं ते हाथ ते मैं फड़ना ही नहीं पर जदो ओ दरवाजे च मोहम्मद ने अंदर दाखिल होना ते मैं ओदी अख विच अख पा के वेखना है ते ओदी अख दे रंग तो मैनू पता चल जाना है मसला की। मैं दम करना है ते कम ठीक हो जाना है। अबू जहल कहन लगा ना ना ओदी अख विच अख पा के ना वेखी। कहन लगा क्यों? कहन लगा गल मुक जांदी है। कहन लगा बिलाल ने ओदी अख विच अख पा के वेख्या सी। उन असी मार मार के कहने बिलाल दस मोहम्मद दा दमल छड़ना के नहीं ते ओ कहंदा जे ना छड़ा की करेगा मैं कहना तेरी जान कढ़ देवांगा। ते बिलाल हस के कहंदा कढ़ दे जान कढ़ दे जे मोहम्मद दा ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी। लगा ओदी अख च अख पा के ना वेखी। फिर जो गलियां च कहंदा फिरेगा अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया सौ टुकड़े। उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं। नहीं ते पंजाबी चेंज कहवा करने वाली वाले हो ओदे हाथे च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं। ओदे हाथ च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा है। ते सराय की पर मेरा दिल करदा मैं तुहानू थोड़ी जी सुना देवां। हजरत मौलाना यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह जदों मेरे नबी दियां अखियां वल गए अखियां दे ऊपर जड़े अबरू ने ते आ फरमांदे ने दो अबरू यार दे खमदार दो अबरू यार दे खमदार भाई थोड़ा जा मस्त होके लज्जत ले आ जाए दो अबरू यार दे खमदार तिखी तलवार जा दार वावा दो अबरू यार दे खमदार वावा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर नबी दे चारे यार नबी दे हिन चारे यार वाह वाह दो अबरू यार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जदों इन्हां दो अखियां वल गए ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुंडल बकाले कुंडल जुल्फ महीद ਕਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੜਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ
कह लगा फिर जो आखेगा अख नाल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा कह लगा अख विच अख पाके ना वेखी कह लगा ठीक है एक बारी बुलाओ ते सही अबू जाल कह लगा बुला भी देवांगे पर दस करेंगा की करने वाली वाले हुण मेरे वाले वेख्या जे हबीब कह लगा हाथ ते फड़ना ही नहीं गल करनी नहीं अख पानी नहीं कह लगा करेगा की कह लगा जब मुहम्मद ने मेरे करीब आके बैठना ना ते मैं जुबान भी बंद ते अखियां भी बंद ते हाथ भी मैं अपने पकड़ के रखने ने ते मैं पता की करना कह लगा बस ना मैं मुहम्मद की खुशबू सुंघनी है ते मैनू पता चल जाना काम की है। अबू जाल उठ के चौधरियां नू कहन लगा इन्हों कोई समझाओ हबीब कहन लगा हुण की होया कहन लगा ओ झल्लिया उन्हों सुंघन दी लोड़ भी केड़ी है उते मक्के दी जड़ी गली च गुजर जावे अठ दिन खुशबू ही मुहम्मद दी आउंदियां रहदियां उन्हों सुंघन दी केड़ी लोड़ है हाय हाय मैं तेरी खुशबू तू सदके कमली वाले मैं तुम प्रीत की गल सुना एक बाबा आ गया मेरे नबी दी बारगाह विच कुमार साहब वो बाबा आके कहन लगा या रसूल अल्लाह सुबह मेरी बेटी दी शादी है ते कोई तोहफा दियो नबी पाक कोल उस वेले कोई चीज जाहरी तौर ते नहीं सी फरमा बाबा ओ खजूर दी टहनी लेके आ बाबा टहनी लेके आया फरमा जा बाबा एक शीशी लेके आ बाबा एक शीशी लेके आया उस टहनी दे नाल नबी पाक ने अपने बाजू मुबारक ते पसीने दा कतरा उतारिया इस शीशी च भर के फरमा जा बाबा जद बेटी दुल्हन बन जावे ते उन्हों अज इतर ना लगावे मुहम्मद दा पसीना लगा दे सुभान अल्लाह नौजवान जड़े वेले बाबा बेटी ओदी दुल्हन बन गई उन्हें नबी करीम दा पसीना लगाया ओदा दामाद दूल्हा बन के आया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਤੈਬੀਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਦੁਲਹੇ ਚ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਜੰਮਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ आ जड़ी मैं अगली गल करन लगा ना इहदे ते सुभान अल्लाह तुसां बगैर इंशाल्लाह मेरे कहण तों कहनी है इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक तों 850 साल बाद पैदा होए किन्ने 850 साल बाद इमाम कस्तलानी फरमांदे ने जदों मैं वडेरा हो गया यानी कि नबी पाक तों 1000 साल बाद आ फरमांदे ने मैं मदीना तैयबा गया ते ओ दुल्हन जिन्हों नबी पाक ने अपना पसीने दा खतरा भेजिया सी ना ओदी नस्ल चो मैं बच्चे वेखे उन्हां चो अजे भी नबी पाक दी खुशबू आंदी सी ओ यार करने वाली वाले जिन्हों पसीने दा एक कतरा मेरा माही भेज देवे 1000 साल तक ओदी नस्ल चो नबी दी खुशबू आवे ते जिहड़ी गली चो लंघी कमली वाला जावे ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਬੀਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤਰਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਆਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੁਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਨਰਦ ਕਰਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾ ਤੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪੈਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਦਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਮਾ ਕਰਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖੇ ਨਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠੇ ਨਾ
पहला ही नबी पाक ने कदम रखा ना ते अबू जाल। अबू जाल जिब्रील ने कन्ना तो फड़ के खड़ा कर दिया। अबू जाल खड़ा, सारे चौधरी वेख के खड़े हो गए। मेरे नबी खरामा करामा टुरे आके बह गए। हजूर फरमांदे ने बह जाओ, सारे बह गए। अबू जाल अजे भी खड़ा। मेरे करीम फरमाया बह जा। जिब्रील ने कन्न छड़े ते अबू जाल डिगया ते नाल धक्को नहीं मार के कहिंदा चाचा जी तुहानू की होया? कहन लगा पता ही नहीं लगा बनी की शी थी। आप पता नहीं लगा जी की बनी भाई। मेरी सरकार बैठे थे, हुजूर ने फरमा मैंने क्यों बुलाए? हबीब कहन लगा मैं बुलाए। मेरे नबी फरमा क्यों? कहन लगा तो हाडा दावा की है? फरमा मेरा दावा है मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया। कहन लगा के आ मेरा यार है अबू जहल ते ए कहंदा के तुसी जादूगर हो माज़ अल्लाह, तुसी कहंदे हो मैं नबी हां? फरमा जी। कहन लगा के जादू जमीन ते चल दे आसमान ते नहीं? दो सवाल करांगा जे जवाब दे दे ओ ते मैं मान जावांगा तुसी नबी हो। फरमा सवाल कर। हबीब बड़ा सयाना सी, कहन लगा एक सवाल मैं करांगा जवाब तुसी देओगे, दूसरा सवाल भी तुसी दसोगे कि मैं पूछना की चाहना ते जवाब भी तुसी देओगे। मुस्कुरा के फरमा सानू कबूल है। पहला सवाल करो। कह लगा अबू जाल कहंदा जादूगर तुसी कहंदे हो नबी ते जादू जमीन ते चलदा आसमान ते नहीं, तुसी कोई आसमान वाला मौजजा दिखाओ तुहाडी नबूवत ते दलील हो जाए ते अबू जाल कह ही ना सके कि जादू हो गया, क्योंकि जादू ते आसमान ते चलदा ही नहीं। कह लगा कोई आसमान वाला मौजजा दिखाओ। नबी करीम ने मुस्कुरा के फरमाया मैं अपनी मर्जी दे मौजजे नहीं कदे वखाए, तो अपनी मर्जी दा मांगा सी ओवें दे वखा दे मैं। हां हबीब बड़ा सयाना सी, कहन लगा कदे चन्न तोड़ के वखा दियो ना। अच्छा तुहानू लुत्फ आवेगा गल सुन के, उस वेले रात नहीं दिन सी, सामने सूरज पे चमकदा सी। साहबे शरा कसीदा बुरदा इमाम खरपोती फरमांदे ने कि ओ रात जेड़ी आउनी सी ना ओ चौदवी रात सी, ओ चांदी चौदवी रात सी, सामने सूरज पे चमके ते हबीब कह लगा कदे चन्न तोड़ के बखा दियो ना। ओ एडा सयाना कि उन्हें आख्या पहले ते सूरज गरूब करो, फिर रात ले आओ, फिर चन्न चढ़ाओ, फिर तोड़ो, एदे च कई मौजजे। हजूर ने भी नहीं फरमाया चलो रात होवेगी चन्न निकलेगा तोड़ देवांगे, हजूर ने फरमाया चलो उठो आओ तोड़िए। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। नौजवानों कमली वाले उठ के गुलो के फरमाया चलो चन्न तोड़ने आओ। अगे कमली वाले नाल अबीब नाल अबू जाल उतबा उतबा सहबा अखनस बिन शरीक उमैया बिन खलफ आस बिन वाइल मके दे सारे चौधरी टुरदे जा रहे। अबू जाल दा चेहरा लटक गया, ना देखो नहीं मार गया ख्या चौधरी तुहानू की आया? कह लगा तेनू नहीं पता इन कह दिता इन तोड़ देना। चोटी लाके मेरे नबी सारे काफिर खलो गए। बाद में किताब पढ़िया कि वादिये मीना मेरे नबी लै गए सामने सूरज। आ मेरे वाल वेखो, मेरे नबी ने सूरज वाल सूरज नुंगली दे इशारे ना मेरे नबी ने डबो दिता। सूरज गरूब हो गया, रात दिन ही रात हो गई, सामने चौदवी रात का चन्न पिया चमके। हजूर हबीब वाल वेख के फरमांदे ने तोड़ देवा, कहंदा तोड़ दियो। आ हुण मेरे वाल वेखो, मिला तशबीह कह रहे मेरे नबी ने इस तरह करके ना भाई गोली नहीं मारी, तीर नहीं मारिया, उंगली भी नहीं मारी, उंगली दे इशारे दा नखंदा इशारा ही कीता।
ते चन दे हो गया दो टुकड़े, एक पहाड़ी दे इस तरफ आ गया ते एक इस तरफ आ गया। नबी पाक ने एक एक काफिर दा नाम लेके फरमाया, ओ फलां इब्ने फलां, ओ फलां इब्ने फलां, ओ फलां इब्ने फलां, ओ वेख मुहम्मद ने जे चन तोड़ दिता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा, एक तरबत साअत वन शक्कल कमर, अल्लाह फरमा कयामत नेड़े आ गई, चन टूट गया, टूट गया, टूट गया, चन दा टूटना कयामत दे कुर्ब दी निशानी है। पता लग्या रब ने दस्या हुण मुहम्मद दे बाद कयामत आ सकदी है पर कोई नबी नहीं आ सकदा। खत्म नबूवत ते मोहर ला दित्ती रब ने। नौजवान जड़े वेले चन टूट गया, हबीब कहन लगा सारा जोड़ भी दिया जे, मेरे नबी ने जोड़ दिता। चन जी आवाज आई, कमली ही वाले आओ, अज तोड़ा ते जोड़ा दिया गल्ला कर देने, इन्हां नूं की पता आवे है जदू हलीमा दे घर पगूड़े च उंगली हिलांदा रहा है, मैं ते उदों तेरे इशारियां ते नचदा रहा। आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते, मेनू कहने बोल ही जाओ तुहाडा की जांदा है। बाबा जी कहते ने बंदे मस्त कर छे ने, तुसा तो शेख सादी फरमांदे ने ऊंट मस्तिया होवे ते एक मन दी बजाय दो मन भार चुक जांदा है, ते मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऐ तुसी सवेरे काम ते जाओ ते बच्चे लाडले हुंदे ने, बेटा कहवे कि अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी बाबा शाम को मेरे लिए फुला खिलौना लेके आना। बाप दा दिल करदा पुत्र ने मगया मैं लेके जावा खिलौना, लेके आवे ना इलेक्ट्रॉनिक अजकल खिलौने, बच्चा थोड़ी देर खेड के तोड़ देवे ना, ते मां डांट के कहंदी है तेरे अबू ने एडा महंगा खिलौना लियांदा तू तोड़ देता है, ते बच्चे दी मां जदों डांटदी है ते बाप कहंदा फिर की होया तोड़ देता है, मैं होर लै देवांगा, है भी ते ओदा ही सी ना जे उहने तोड़ दिता। ते साढ़े बच्चे मिट्टी दे बने बशर, ते खिडौने भी मिट्टी दे प्लास्टिक दे। मेरा नबी नूर है ना, रब ने चन खिडौना भी नूर दा ही अता कीता है। हलीमा दे वेड़े खेड लैंदा है, अबू जाला के ते तोड़ देंदा है, उतो आवाज आउंदी है पावे खेड पावे तोड़ है ते तेरा ही ना। वाह मदीने दे ताजदारा कदे खेड़ने ते कदे तोड़ने। आज दी ये महफिल किना दे साले सवाब ने चौधरी मोहम्मद याकूब गुमन साहिब, गुमन साहिब, गुमन साहिब, उना दे बेटे, उना दे बेटे, उना दे बेटे मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद जकाउल्ला साहिब ने अपने वाले साहब दे इसाले सवाब दे वास्ते गुमन साहब याकूब साहब दे वास्ते आज दी महफिल दे निकाद कीते। अल्लाह ताला बाबा याकूब साहब दे दराजात दी बुलंदी फरमाए, उना दी कबर मनवर करे। भाई औलाद इंज दी होनी चाहिए, नहीं तो जाके दाता साहब वेख लो रात दे बज गए दो तकरीबन डेढ़ हो गए, वो जड़े कुरान पढ़ के दुनिया तो गए थे उन्होंने कबर से भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। औलाद इंज दी होनी चाहिए, जेड़े मापे दे जामो तो बाद उन्होंने नाम की को मिला दी महफल करावे, को कुरान की तिलावत करावे, नबी पाक दे दी कादा सवाब भेजे, अल्लाह उन्होंने दराजात की बुलंदी फरमाए, कबर मनवर करे। चन टुट भी गया ते जुड़ भी गया, हुण हबीब वल मेरे नबी ने फरमाया, हाँ हबीब हुण दूसरा सवाल, कहन लगा सवाल भी दसो ते जवाब भी दियो, दसो मैं की पूछना चाहना। कौलां दे वाली ने फरमाया, हबीब तू पूछना चाहना है, यमन दे अंदर तेरी एक बेटी है, तेनू अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार है, तेरी बेटी अखां दी नबीनी है, जुबान दी गुंगी है, कन्ना दी डोरी है, हथा दी लूली है, पैरा दी लंगड़ी है। फरमाया तेरा ख्याल है अल्लाह तेरी बेटी नू शिफा दे दे वे, फरमाया जा हबीब अल्लाह ने तेरी बेटी नू शिफावां दे दित्तियां ने। कदम फड़ के कहन लगा, कमली वाले कलमा पढ़ा, मेरे आका फरमाया हबीब होया किया, कहन लगा अंदरों आवाज़ा पईयां आउंदियां ने, जेड़ा मके बह गई अमन दिया सचियां दस दे, वो फरशा ते बह के अरशां दिया भी सचियां दस दे। हबीब कलमा पढ़दा पढ़दा यमन आया, उन्हें घर का दरवाजा खटकाया, बेटी दी आवाज आई, पापा मैं पई आउनी, बेटी नाले दरवाजा खुलिया, नाले नबी दा कलमा पढ़दी है,
सीने लागे कह लगा नी धीए शिफावां किवें मिलियां कह लगी बाबा एक सोना जिहा मेरे ख्वाब दे अंदर आया उन्हें हाथ पैरिया शिफावां मिल गईयां उन्हें आख्या बेटी कलमा पढ़ ला मैं अल्लाह दा आखरी नबी सोने ने मैनू कलमा पढ़ाया बाप सीने लागे कह लगा धीए मैं बड़े नसीबा वाला ना उस नबी नू वेख के कलमा पढ़ के आया बेटी कह लगी बाबा मैं तेरे नालों बहुती नसीबा वाली तू ते जा के कलमा पढ़ के आया मैनू आके पढ़ा के गए